नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबर। गांधी ने कहा कि तेजी से बढ़ रहे कोरोना के लिए सरकार के पास योजना नहीं, पीएम ने किया सरेंडर। चीन से निपटने की तैयारी, लद्दाख में भारत लगाएगा 134 सैटेलाइट फोन टर्मिनल। तेल की कीमत में 21वें दिन लगातार इजाफा, दिल्ली में डीजल की कीमत 80.40 रुपए लीटर हुआ है। देश में कोरोना पॉजिटिव 5 लाख के पार, महाराष्ट्र में 1.5 लाख कोरोना संक्रमित। गोवा के सीएम बोले कि राज्य में कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। बढ़ते कोरोना को देखते हुए दिल्ली में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। वंदे मातरम मिशन के तहत पेरिस से भारतीयों को लेकर कोचिंग के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट। यूएन के मानवाधिकार विशेषज्ञ का आह्वान, चीन में मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हो निर्यात उपाय। अमेरिका ने चीनी अधिकारियों पर लगाए वीजा प्रतिबंध, हांगकांग के स्वायत्तता को लेकर एक्शन। अमेरिका के वीजा प्रतिबंधों पर चीन ने जताया विरोध, कहा राष्ट्र सुरक्षा के लिए उठाएंगे कड़े कदम। लुधियाना में 4 किलो हेरोइन के साथ 4 लोग गिरफ्तार। गोवा में पुलिस ने 10 करोड़ के ड्रग्स जब्त किए हैं। जम्मू कश्मीर के केंडी सेक्टर में पाक की गोलीबारी, एक लड़की को लगी गोली। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति को 2025 के लिए बढ़ाया गया। सीएम योगी ने किया यूपी में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन का ऐलान। तमिलनाडु में पिता पुत्र की मौत पर बॉलीवुड ने जताया दुख, मांगा न्याय। फिल्म अनलॉक को लेकर बेहद उत्साहित है कुशाल, कहा कि ऐसी फिल्म न कभी बनी न देखी। दिल बेचारा की ओटीटी रिलीज पर संजना बोली कि पर्दा बड़ा नहीं हो सकता है तो दिल तो हो सकता है। पाक टीम रविवार को पहुंचेगी इंग्लैंड, टूर से पहले होगा कोरोना टेस्ट। बजाज ऑटो की कंपनी में 140 स्टाफ कोरोना की चपेट में, 2 की मौत। रतनपुरी के ठिकानों पर सीबीआई की तलाशी, 787 करोड़ के फ्रॉड का है मामला। गुजरात में पराठा के बाद अब पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाने का आदेश। सीएम योगी ने यूपी में किया यूपी एसएसएफ के गठन का ऐलान। कानपुर शेल्टर होम मामले में योगी सरकार का एक्शन, अधिकारी सस्पेंड। बीएसपी सांसद फजलुर रहमान को हुआ कोरोना, बेटे भतीजे भी संक्रमित।